हाय दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन टीडीएस का ई पेमेंट कैसे करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप गूगल ब्राउज़र ओपन कीजिए। ये आपका गूगल ब्राउज़र ओपन हो गया, तो आप उसमें ई पेमेंट फिल कीजिए। लो, आपका आ गया ई पेमेंट। ई पेमेंट फिल होने के बाद आप यहाँ पे ई टैक्स पेमेंट सिस्टम है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और जैसा कि हम आपको बता दें कि आप टीडीएस का ई पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए चालान नंबर 281 फिल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप डेस्कटॉप के स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चालान नंबर 281 दिख रहा है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल है, तो फिर स्कूल के लिए सेक्शन कोड है 21 नॉन कंपनी, तो यहाँ पे मैं अपना 10 फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना 10 फिल कर दिया। ये मैं असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। और यहाँ पे फ्लैट डोर क्योंकि स्कूल है तो वो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे रोड, अभी यहाँ पे आप पता फिल कर दीजिए सर, यहाँ पे जो कि मेरा हुआ है पहले से, तो फिर आप फिल कीजिए, आपको फिल करना होगा पर्सनली। यहाँ पे फिल कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी सेक्शन कोड 200 टीडीएस, आप जिसके अंतर्गत पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ 200 पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट, तो जैसे कि सैलरी पर्सन है, तो फिर उनका 92B आ जाएगा, 92B सेक्शन कोड, सॉरी नेचर ऑफ पेमेंट 92B। और जैसे कि मैं ये ऑनलाइन फिल कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने अकाउंट से फिल कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं अपने बैंक का नाम फिल करता हूँ, और यहाँ पे एंटर द कैप्चा है, मैं उसे फिल कर देता हूँ। आप इसे केयरफुली फिल कीजिए, जो भी आप सब इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिए। यहाँ पे नॉन कंपनी डिटेक्टिव 21, यहाँ पे सेक्शन कोड 200, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट 92B, और ये बैंक का नाम जो कि मैं जिससे पेमेंट करने वाला हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और यहाँ पे मैंने प्रोसीड किया। तो प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आप इसे केयरफुली रीड कीजिए और देखिए कि सर जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आपने वो सभी सही है। तो यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल कोड 21 आ गया, चालान 281, असेसमेंट ईयर 16-17, यहाँ पे पता आ गया, और ये मेरे स्कूल का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने 10 फिल किया था फर्स्ट पेज पे। तो ये सब देख लीजिए, ये 92B, ये सब देख लीजिए एक बार। यहाँ पे सबमिट टू बैंक कीजिए। सबमिट टू बैंक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे अभी मेरा फिलहाल तो नेट बैंकिंग है, तो फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबमिट किया। हाँ, यहाँ पे मैंने मेरा लॉगिन पासवर्ड किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे सबमिट करके आप अपना पर्सनली कीजिए। और जैसा कि ये पेज आपका ओपन हो गया है चालान 281 का, और मुझे चालान 281 भरना है 5,600, 5,600 रुपया मुझे टीडीएस भरना है। तो फिर मैंने टैक्स के ऑप्शन में जाके 5,600 रुपीज़ फिल किया, और यहाँ पे ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ उसे। ये कंफर्म करने के बाद फिर आपका एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे रिकन्फर्मेशन करना होगा आपको, और यहाँ पे आप रिकन्फर्मेशन कीजिए। अभी देखिए, आप यहाँ पे आपका चालान जो भी आपने टीडीएस भरा हुआ है 5,600 रुपये का, उसका जो भी चालान जब आप बैंक में जाते हो, आधा एक घंटे लाइन लगाते हो, उसके बाद फिर आप चालान भर सकते हो टीडीएस का। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आप घर बैठे आप अपना टीडीएस का जो 281 चालान है वो पेड कर चुके हैं, और ये उसकी रिसीट। देखिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड इन पीडीएफ में आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पे आप क्लिक करके
आप देख सकते हैं कि ये आपका चालान ओपन हो गया। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, स्कूल का नाम, पेमेंट अमाउंट, मेजर हेड नॉन कंपनी डिटेक्टिव 21, माइनर हेड TDS 200, नेचर ऑफ पेमेंट 92B, जो कि एक सैलरी के लिए होता है, जो कि ये उन एम्प्लॉय का भरा गया है जिन्हें सैलरी पर्सन एम्प्लॉय है, उनका ये टैक्स उनका भरा गया है, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ओके 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 दोस्तों, जैसा कि यह ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसे और कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स लिखिए। ओके ओके देन बाय।